हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ लेजर हेयर रिमूवल के बारे में, और स्पेसिफिकली हम फोकस करेंगे बिकिनी एरिया और अंडर आर्म एरिया पे, क्योंकि इसके लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं कि कितने सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, कितना पेन होता है। तो सब कुछ मैं डिटेल में बात करूंगी, पर मैंने लेजर पर ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना रखी है। तो सबसे पहली वीडियो आपको मिलेगी जहां पर मैंने फुल बॉडी का बताया है, और सेकंड वीडियो में मैंने फेस का बताया है सारा डिटेल में, और थर्ड वीडियो मैंने लास्ट ईयर बनाई थी कि 2020 लॉकडाउन में क्या सिचुएशन है मेरे बालों की, क्योंकि 6-7 महीने से मैंने लेजर नहीं कराया था, और उसके बाद भी मेरे बाल कैसे आ रहे थे। तो वहां पर सारी डिटेल्स मैंने बता रखी है, क्या प्रोसेस होता है, कितना पेन होता है। तो वो वीडियोस भी आप जरूर चेक कर लेना, उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप जब भी लेजर हेयर रिमूवल रिडक्शन के लिए जा रहे हैं तो आप अनलिमिटेड सेशंस के लिए जाइए। ये इसलिए क्योंकि जैसे आप 8-10 सिटिंग्स का कोई पैकेज ले लेते हैं ना, उसके बाद होता क्या है ना कि 5 सिटिंग्स आपने ले ली, जैसे अंडर आर्म्स की आपने 5 सिटिंग्स ले ली, आप बोलेंगे अरे वाह बाल ही नहीं आ रहे, 3 महीने से बाल ही नहीं आए, अब मैं 6 सिटिंग 3-4 महीने के बाद करवाऊंगी। अब उसमें होगा क्या कि मेंटेनेंस के लिए तो करवाना पड़ रहा है ना, और फिर आप जैसे 3-3 महीने पे करवाते हो तो आपकी 10 सिटिंग्स वो हो गई खत्म, पर क्या पता आपको साल में 2 सिटिंग्स की रिक्वायरमेंट हो मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस तो करवाना पड़ेगा। अब जैसे मेरे अंडर आर्म्स की सिचुएशन पिछले 2 साल से ऐसी ही है, मतलब खाली है, बाल आते हैं 1-2 ऐसे बहुत ही लाइट से ऐसे बाल आ जाते हैं ना, जो दिखते भी नहीं है उस टाइप के बाल आते हैं। और लास्ट टाइम जब मैंने लेजर करवाया था सिर्फ मेरे शायद 2 बाल थे, इस वाले अंडर आर्म में 2 बाल थे और यहाँ पर 1 बाल था, बहुत ही लाइट सा, दिख भी नहीं रहा था। तो मेंटेनेंस तो आपको करवाना पड़ेगा, तो सबसे बेस्ट होगा कि आप अनलिमिटेड सेशंस के लिए जाइए। रीज़न मैं आपको इसका एक और बताती हूँ कि अगर जैसे आपने 5-6 सिटिंग्स ले लिए, उसके बाद आपकी 4 सिटिंग्स बची है, 3 सिटिंग्स बची है, तो आप सोचेंगे चलो मेंटेनेंस तो इसमें हो जाएगी, और अगर मुझे ज़रूरत भी हुई साल में 1 बार करवाने की तो मैं 1 सिटिंग वाला कोई पैकेज ले लूँगी, वो भी मिल जाते हैं आजकल। तो आप 1,000 रुपये दीजिए 1 सिटिंग हो जाती है, 500 दीजिए 1 सिटिंग हो जाती है, बहुत सारे ऐसे क्लिनिक्स हैं जो 1 सिटिंग दे देते हैं, तो मेंटेनेंस आप उसमें करवा सकते हैं। पर हमें नहीं पता ना कि हमारे बाल ढीठ है कि समझदार है, अगर आपके बालों को बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत हुई फिर नहीं कह सकते ना। तो अगर आपके बाल काफ़ी ज़्यादा आते रहे, हो सकता है आपको साल में 3-4 सिटिंग्स की ज़रूरत हो, हो सकता है आपको हर साल 2-2 सिटिंग्स की ज़रूरत हो, और ये भी हो सकता है कि आपको किसी सिटिंग की ज़रूरत ही ना पड़े, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मुझे साल में सिर्फ 1 सिटिंग की ज़रूरत पड़ती है मेरे अंडर आर्म्स में, अब जो सिचुएशन है, लास्ट ईयर मैंने सिर्फ 1 बार करवाया था और इस साल मैंने सिर्फ 1 बार करवाया था, अभी मेरे ख्याल से मार्च में करवाया था, और अभी तक कुछ भी यहाँ पर बाल नहीं है। फेब या मार्च में करवाया था, बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ बाल आपको नहीं दिख रहे होंगे, नहीं आए हैं। तो 1 ही सिटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो डिपेंड करता है आपके बालों की ग्रोथ पर भी। तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप अनलिमिटेड सेशंस के लिए। अच्छा, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा अंडर आर्म लेज़र के साथ, तो देखिए अंडर आर्म्स के लिए तो मैं आपको एनी डे ये सजेस्ट करूँगी कि वैक्सिंग और लेज़र से बेटर है लेज़र। इसके सेशंस कितने लगे मेरे अंडर आर्म्स में, तो मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली 8-10 लग चुके होंगे, और उसके बाद तो बाल ही एकदम ही गायब हो गए। पर मेंटेनेंस, जैसे वही मैंने आपको बताया, 1-2 कभी बाल आ गया, या क्या पता 2 साल में अब 1 बाल आए, ये भी हो सकता है। तो मेंटेनेंस तो कभी कभार लेना ही होगा, पर अंडर आर्म में आप ऐसा कर सकते हैं, इस ऑप्शन के लिए जा सकते हैं कि आप 8-10 सिटिंग ले लें, उसके बाद कभी कहीं पर 500 रुपये में जो 1 सिटिंग कर देते हैं, तो वो चीज़ आप अंडर आर्म्स के साथ कर सकते हैं। पर बिकिनी में क्या होगा ना, आपको लोग बोलते हैं बिकिनी और अंडर आर्म सेम होते हैं, ऐसा नहीं होता है। बिकिनी में बहुत सारे सेशंस रिक्वायर्ड होंगे, मेरे बहुत सेशंस लग चुके हैं। अब मैंने 2017 में ये पैकेज लिया था, तब मुझे प्राइस पड़ा था फुल बॉडी का इंक्लूडिंग फेस अराउंड 70-80, पर अब इतने साल हो चुके हैं, 4 साल हो गए हैं, तो प्राइस भी रिवाइज हो गए हैं। और उसके बाद 70-80 सिर्फ 10 या 12 सिटिंग्स का था, उसके बाद फिर मैंने सिटिंग्स बढ़ाने के लिए इनको पूछा कि अगर बढ़ानी हो, तो उन्होंने मुझे अनलिमिटेड पैकेज के बारे में बताया, तो मैंने इन्हें कुछ एक्स्ट्रा और पैसे दिए, शायद 20-30 हज़ार और दिए होंगे, तो 1 लाख समथिंग का कुछ मेरा पैकेज बना होगा। और मैंने फुल बॉडी का पैकेज ले लिया था, अनलिमिटेड सेशंस, और मैंने ये चीज़ देखी कि बिकिनी के जो हेयर है ना, वो बाद में आपके फाइन तो आएंगे, सॉफ्ट आएंगे, बहुत ही लाइट आएंगे, पर सेशंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे। रीज़न, फ्रीक्वेंसी हम कम यूज़ करते हैं, और एक और रीज़न ये कि हमें पेन ज़्यादा होता है। पेन ज़्यादा होता है क्योंकि एरिया पिगमेंटेड होता है, स्किन टोन वहाँ पर डार्क होती है। पर आप ये चीज़ नोटिस करेंगे, जैसे ये हमारा बिकिनी एरिया है, तो यहाँ पर ये जो बाल आते हैं ना, यहाँ पर लेज़र अच्छे से हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई पेन नहीं होता, पर यहाँ पे ये जो एरिया होता है, यहाँ पे काफ़ी रिस्क रहता है, डर लगता रहता है कहीं शॉर्ट इधर ना लग जाए, सेंसिटिव एरिया पे ना लग जाए, कुछ और ही प्रॉब्लम ना हो जाए। मैंने आपको बताया भी था कि वैक्सिंग एक बार मैंने करवाई थी, तो उन्होंने ये पूरा
क्लोज कर लिया था, ब्लड आने लगा था इस तरीके से उन्होंने वैक्स करा। सैलो का मैं नाम नहीं बताऊंगी, काफ़ी बड़ा सैलो है, खैर उनका नाम नहीं लेंगे। पर इसीलिए मुझे वैक्सिंग और रेजर कराना ठीक नहीं लगता है। रेजर में भी मेरे साथ ये हुआ था, बम्स जो आते हैं ना बहुत पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता था। मैंने 2 बार रेजर कराया है, मैंने कसम खा ली मैं रेजर कभी यूज़ करूँगी नहीं। मेरे साथ इतना बुरा वो हादसा था, मैं रो रही थी मेरे साथ जो हुआ था रेजर यूज़ करने के बाद। तो इसलिए मैं रेजर यूज़ नहीं करती हूँ और मुझे लेज़र के लिए ही जाना पड़ा। सेशंस आपको देखे ज़्यादा लगेंगे पर रिजल्ट्स मुझे इन दोनों से ज़्यादा बेटर लगे। सेफ भी मुझे लेज़र ही लगा क्योंकि ये वाला जो एरिया ना, मैं आपको बता रही थी बाल इतने क्यों आते हैं, सेटिंग्स इतनी क्यों लेनी पड़ती है, तो यहाँ पर ना हम ढंग से कर नहीं पाते हैं। उनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी स्किन क्लिनिक से देख रहे हैं, मेरे स्किन क्लिनिक भी शायद देख ही रहा होगा, तो थोड़ा सा उसको चेंज कर दीजिए। हो सकता है पतली टिप आप थोड़ी सी अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से इस एरिया पर होगा क्योंकि पतला होता है यहाँ पर, हमें साइड में ना हमेशा यहाँ पर बाल रह जाते हैं, यहाँ के अगर थोड़े से गायब भी हो जाना तो यहाँ पर रह जाते हैं। और मैंने इस बार क्या करा था ना कि मैंने काफ़ी महीने तक ना लेज़र कराया नहीं, मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं, बाल आ रहे हैं आने दो, मैं जा सकती हूँ क्लिनिक, फिर भी मैं नहीं गई क्योंकि मुझे देखना था कि लेज़र कराने के बाद भी फुल ग्रोथ कैसी आती है। तो इस बार फुल ग्रोथ आई थी, मैंने मार्च में लेज़र करवाया था अपने बिकिनी एरिया पर और बाल आए थे, काफ़ी फुल ग्रोथ थी पर बहुत ही लाइट थे, बहुत ही पतले थे, सॉफ्ट थे और पहले से बेटर थे, हार्ड बाल नहीं थे। तो वो चीज़ मुझे ठीक लगी पर सेटिंग्स काफ़ी ज़्यादा लेनी पड़ती है, वो फ्रीक्वेंसी भी आपकी कम होती है और फिर पेन होता रहता है, इस वजह से उनको फ्रीक्वेंसी कम करनी पड़ती है और फिर टिप भी इतनी पतली नहीं होती है। तो ये एरिया हमेशा यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी ही, अगर यहाँ का थोड़े टाइम साफ भी रहे कुछ महीने के लिए, पर ये तो मतलब 1 महीने के बाद ही या 1.5 महीने के बाद, 40 डेज़ के बाद यहाँ पर बाल आने लगते हैं। तो इन्हें कुछ शायद इक्विपमेंट्स चेंज करने पड़े, जो भी क्लिनिक्स है पतली थोड़ी सी टिप होनी चाहिए कि ज़्यादा बेटर तरीके से हो सके। पर जैसे भी होता है मुझे फिर भी ये वैक्सिंग और रेजर से बेटर ही लगता है। तो इन दोनों एरिया के लिए कितनी सेटिंग्स रिक्वायर्ड होगी, देखिए मैंने आपको अंडर आर्म्स का तो बताया ही कि रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसके लिए आप 8-10 सेटिंग्स का भी एक पैकेज ले सकते हैं, पर मेंटेनेंस तो करवानी पड़ेगी ना, क्या पता 2 साल में आपका 1 बाल आ जाए, क्या पता 1 साल में 2 बाल आ जाए। आपके बालों पर भी डिपेंड करता है, आपकी ग्रोथ पर भी डिपेंड करता है। पर अगर आप उसको कंपेयर करेंगे ना इसके साथ कि देखिए अगर जैसे आपने एक पैकेज ले लिया 8-10 सेटिंग का, उसके बाद अगर आप 500 का या फिर 1000 रुपये का अगर आप एक एक सेटिंग भी करवा रहे हैं और उसको आप पूरे एक अनलिमिटेड पैकेज के साथ कंपेयर करें, डिवाइड करेंगे रेट, तो आपको अनलिमिटेड पैकेज ही सस्ता पड़ेगा। आप फुल बॉडी का भी 1 लाख रुपये का भी लेकर अगर आप चलते हैं तो उसको आप कंपेयर करेंगे वैक्सिंग के साथ, तो आपको लेज़र ही सस्ता पड़ेगा। मुझे लेज़र सस्ता पड़ रहा था, वैक्सिंग हर महीने करवाओ, लाते मारो, जो कर रहे होते थे ना, मैं तो 2-4 लाख भी लगा देती थी, मुझे इतना दर्द होता था, डर लगता है, बहुत पेन होता है, कोई भी वैक्सिंग करवाओ पेन होता है। तो और जाना पड़ता है, हर महीने जाना पड़ता है, यहाँ पे तो मुझे छुट्टी मिल गई है। मैंने देखो हाथ का भी कोई लेज़र नहीं करवाया, कौन सा ज़माना हो गया, इतने 6 महीने हो गए कोई लेज़र नहीं, पैर पर कोई लेज़र नहीं, बाल कहीं नहीं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप लेज़र करवाइए, अनलिमिटेड सेशन के लिए जाइए। अगर आप पूरी कॉस्टिंग अगर आप लगाएंगे ना अपनी वैक्सिंग के लिए, रेज़र यूज़ करते हैं वो अलग बात है, स्किन तो मेरी ख़राब हो जाती है रेज़र से, इसलिए मैं करती नहीं हूँ यूज़। पर अगर आप लेज़र से कंपेयर करेंगे वैक्सिंग को, दोनों का कॉस्ट अगर आप लिखते हैं 10-15 साल का और लेज़र का कॉस्ट आप जोड़ते हैं, तो आपको लेज़र ही सस्ता पड़ेगा। या बैठ कर आप देख लेना, आप डिवाइड करके देख लेना, क्योंकि मेरा तो देखिए अगर मैं वैक्सिंग करवाती हूँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, अगर मैं फुल बॉडी वैक्सिंग भी करवा रही हूँ पैर का हाथ का भी, तो 5-6 थाउजेंड तो पड़ ही जाता है। तो अगर मैं हर 1.5 महीने पे 5-5, 6-6 हज़ार भी लगा रही हूँ तो इतना एक्सपेंसिव पड़ गया। तो मैं आपको अपने अंडर आर्म ज़रा दिखा देती हूँ, तो आप ये देख सकते हो कि बिल्कुल भी बाल नहीं है, ये आपको थोड़ा सा पैच दिख रहा होगा, ये लेज़र की वजह से नहीं हुआ है, ये मेरे वो गंदे डीओ की वजह से हुआ है। मैं रोल ऑन यूज़ करती हूँ तो उसका पैच रह जाता है, मैं इससे पहले निविया यूज़ करती थी तो उससे काफ़ी अच्छे रहते हैं रिजल्ट्स, ऐसे ये पैच सा नहीं आता है। तो बाल तो नहीं है, ये देखो बाल वाल तो कहीं पर भी नहीं है और इतना भी कुछ खास डार्क नहीं है, तो बाल कहीं नहीं है। मैंने मार्च के 1st वीक या फेब के 1st वीक में करवाया था लेज़र, तो देखो बाल कहीं पर भी नहीं है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और मेरा तो कोई इरादा नहीं है 6 महीने और करवाने का, क्योंकि मुझे लगता है कि 6-7 महीने तो अभी और आएंगे भी नहीं, या हो सकता है उससे ज़्यादा टाइम के लिए भी नहीं आए। तो यहाँ पे भी कहीं बाल नहीं है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और अगर आप मेरा सजेशन लेंगे, मैं तो आपको यही बोलूँगी
कि पूरे बॉडी के लिए लेज़र बहुत अच्छा है, फेस को छोड़कर. फेस का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो वाली वीडियो आप ज़रूर चेक कर लेना यहाँ पर क्लिक करके. अच्छा, प्राइस का भी लोग पूछेंगे कि कितना प्राइस पड़ जाएगा इन एरियाज़ का. तो देखिए, बेटर होगा कि आप क्लिनिक को ही फ़ोन करके पूछें, वो आपको अच्छे से बताएंगे. क्योंकि मैंने फुल बॉडी का लिया था, मैंने किसी एक स्पेसिफिक एरिया का पैकेज नहीं लिया था. फुल बॉडी का मैंने आपको अपना प्राइस बताई है कि कितना पड़ा था. तो अगर आपको सिर्फ अंडर आर्म्स के लिए जाना है, सिर्फ बिकिनी के लिए जाना है, या सिर्फ किसी दो तीन एरियाज के लिए जाना है, तो वो बेटर आपको क्लिनिक वाले ही बताएंगे. मैं मेटामॉर्फोसिस क्लिनिक जाती थी, न्यू दिल्ली में है, GK1 में. एड्रेस और फ़ोन नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ. आप उनको कॉन्टैक्ट करके प्राइस की सारी डिटेल्स पूछ सकते हैं. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप आँख बंद करके लेज़र के लिए जा सकते हैं. मतलब आँख बंद करके ऑब्वियसली आप नहीं जा सकते हैं, मतलब ये डिसीजन सही है, ऐसा बोलते हैं ना. तो सही डिसीजन मैंने ये लिया था, पूरी बॉडी का लेज़र करवा के अनलिमिटेड सेशंस के लिए. और बिकिनी और अंडर आर्म्स का भी मैंने आपको बता दिया है. तो अंडर आर्म्स पे कम सेटिंग्स लगी थी, बिकिनी पे आपकी सबसे ज़्यादा सेटिंग्स रिक्वायर्ड होगी. पर रिजल्ट्स एनी टाइम एनी डे वैक्सिंग और रेजर से लाख गुना ज़्यादा बेटर है, और पेनफुल भी नहीं है. क्योंकि वैक्सिंग में भी बहुत पेन होता है, और फिर रेजर का ये पेन हो जाता है कि वो जो छोटे छोटे दाने आ जाते हैं ना, तो उससे तो मतलब जान ही निकल जाती है. तो लेज़र बहुत अच्छा ऑप्शन है. फेस का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मुझे पता है. फेस का भी आप पूछेंगे तो वो वीडियो ज़रूर चेक कर लेना. मैंने फेस की भी सारी डिटेल्स बताई हुई है कि मेरा फेस का एक्सपीरियंस क्या रहा लेज़र के साथ. यहाँ पर क्लिक करके आप ज़रूर चेक कर लेना. और बाकी सारी डिटेल्स भी मैंने आपको बता दी है कि मैं कहाँ से करवाती हूँ, और सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी, तो उसको लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है. और मेरे सोशल मीडिया पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उनके भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे. ठीक है, चलिए अब मैं जाती हूँ. अपना ध्यान रखिए, घर पर सबका ध्यान रखिए. बाय.